हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। दोस्तों, इसी चैप्टर पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर हैं जिसका आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। अभी तक आप लोगों को बता दें कि इस चैप्टर का क्या क्या हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। इसका जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर का वीडियो है उसको हम 3 पार्ट में अपलोड किए हैं। आप लोग प्रत्येक पार्ट को सर्च करके एग्जाम से पहले ज़रूर देखें। इस चैप्टर का एक वेरी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी हम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम लगभग आप लोगों को 30 क्वेश्चन कराए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। और इस चैप्टर का MCQs का वीडियो भी हम ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। और जितने भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हैं सबका लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप लोग जो है चाहे तो इसे सर्च भी करके देख सकते हैं, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाई अशोक सर। जैसे ही लिखेंगे तो जितने भी वीडियो इस चैप्टर के हमारे चैनल पर अपलोड हैं आप लोगों के सामने आ जाएगा। आप लोग उस पर समय दीजिए, पूरी तरह से पढ़िए तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ बच्चे हैं हमारे वीडियो को सर्च करते हैं, देखते हैं तो जो क्वेश्चन है वह जो बुक में क्वेश्चन है उससे क्रम से नहीं मिलता है, तो सोचते हैं कि ये क्वेश्चन जो है तो बुक का नहीं है, तो वीडियो को जो है छोड़कर चले जाते हैं। उन स्टूडेंट के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो हमारे चैनल पर जितने भी क्वेश्चंस और उसके आंसर हम अपलोड किए हैं, चाहे वो पैसेज बेस्ड हो, चाहे स्टेंजा बेस्ड हो, चाहे तो हम लोगों का MCQs हो, 60 हो कि लॉन्ग हो, जितने भी क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को एग्ज़ाम में कितना भी घुमा करके क्वेश्चन पूछेगा तो ये वही संभावित क्वेश्चन है हमारे चैनल पर अपलोड जो एग्ज़ाम में आप लोगों को घुमा घुमा के पूछ सकता है। तो आप लोग हमारे चैनल पे जुड़ें, इससे पढ़ें, तो आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन कितना भी घुमा के क्यों ना पूछे आप उसके आंसर को बड़े आसानी से लिख देंगे। आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से और पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या बोला है। देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है ये आप लोग हमारे चैनल से जो बच्चे जुड़े हैं उसको कई बार पढ़ चुके होंगे, उन्हें याद भी होगा, फिर भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस। वेयर मीन्स होता है कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ, डिड वेयर मीन्स कहाँ, ओथ टेकिंग, ओथ का मतलब होता है कसम या शपथ, टेकिंग मीन्स होता है लेना और सेरेमनी मीन्स होता है समारोह, टेक प्लेस का मतलब होता है हुआ, यानी कि शपथ समारोह कहाँ पर हुआ ये हमारा क्वेश्चन है। तो नेल्सन मंडेला का शपथ समारोह कहाँ पर हुआ था, देखिए इसका आंसर है द ओथ टेकिंग। ओथ टेकिंग का मतलब होता है शपथ लेना और सेरेमनी का मतलब होता है समारोह, यानी शपथ समारोह टुक प्लेस हुआ इन यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग में आप प्रिटोरिया, प्रिटोरिया की, यानी शपथ समारोह जो था वह प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में हुआ, ये हमारा आंसर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग पूरी तरह से तैयार कर लीजिए कि द ओथ टेकिंग सेरेमनी टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। अब आइए देखते हैं आगे, ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को हम आगे अब इस वीडियो में कराएंगे एक एक शब्द के अर्थ को बताते हुए क्लियर कराएंगे, और आप लोग इस पर समय दीजिए और पढ़िए ताकि इस चैप्टर में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या न रहे। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आइडियल्स डिड मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच। अब देखिए, जब शपथ समारोह चल रहा था तो वहाँ की बात है कि व्हाट मीन्स क्या, आइडियल्स, आइडियल्स का मतलब होता है आदर्श, क्या आदर्श मंडेला जो थे नेल्सन मंडेला वो सेट आउट, सेट आउट का मतलब होता है प्रस्तुत करना, प्रस्तुत किए फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, भविष्य के लिए आप साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के इन हिज स्पीच, स्पीच मीन्स होता है भाषण, यानी अपने भाषण में जो नेल्सन मंडेला थे वह साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए जो है क्या आदर्श, क्या आइडियल्स जो है प्रस्तुत करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। आप लोग समझ गए होंगे, आइए इसके आंसर को देखते हैं। मंडेला सेट आउट, जो नेल्सन मंडेला थे वो सेट आउट, प्रस्तुत करते हैं आइडियल्स, आदर्शों को
फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए आप साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के यानी नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं बिकॉज क्योंकि ही हैड, उनके पास डीप फीलिंग थी। डीप फीलिंग का मतलब होता है गहरी भावना, क्योंकि बहुत गहरी भावना थी उनके अंदर फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए। एंड कंट्री मैन, कंट्री मैन का मतलब होता है देशवासी। यहाँ पर समझ लीजिएगा इसको कि नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए जो है आदर्श प्रस्तुत करते हैं बिकॉज क्योंकि उनके अंदर डीप फीलिंग थी, अर्थात गहरी भावना थी फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए, एंड हिज कंट्री मैन और अपने देशवासियों के लिए, यानी अपने देश के प्रति और अपने देशवासियों के प्रति उनकी बहुत गहरी फीलिंग थी, यानी बहुत बड़ा लगाव था उनका जो है। और ही वह प्लेग्ड, प्लेग्ड का मतलब होता है शपथ लेना, कसम खाना, तो वो प्रतिज्ञा करते हैं टू लाइब्रेट कि मैं आज़ाद कर दूंगा। लाइब्रेट का मतलब होता है आज़ाद कर देना, और वह कसम भी खाते हैं कि मैं आज़ाद कर दूंगा ऑल द पीपुल, ऑल माने सभी, द पीपुल लोगों को, फ्रॉम द पावर्टी निर्धनता से। पावर्टी का मतलब होता है निर्धनता, यानी कि नेल्सन मंडेला अपने स्पीच में ये भी जो है प्लेग्ड करते हैं शपथ लेते हैं कि मैं अपने लोगों को लाइब्रेट कर दूंगा, आज़ाद कर दूंगा पावर्टी निर्धनता से, गरीबी से मैं मुक्त कर दूंगा। डिप्रीवेशन, डिप्रीवेशन का मतलब होता है नुकसान, हानि, किसी प्रकार के नुकसान या हानि से मैं दूर कर दूंगा, किसी प्रकार की नुकसान भी नहीं होगा। और डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, और यहाँ पर जो चमड़ी को देख करके गोरे और काले का भेदभाव होता है, मैं भेदभाव को भी खत्म कर दूंगा। तो यहाँ इसका आंसर आप लोग समझ लीजिएगा कि नेल्सन मंडेला जो थे वह साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं क्योंकि उनका उनके देश और देशवासियों के प्रति गहरी भावना थी, और वह कसम खाते हैं कि मैं अपने लोगों को गरीबी, नुकसान, निराशा और भेदभाव से, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, हर प्रकार के भेदभाव से जो है लाइब्रेट कर दूंगा, अर्थात मुक्त कर दूंगा, ये उन्होंने कसम खाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है हाउ, कैसे, अकॉर्डिंग टू मंडेला। हाउ मीन्स होता है कैसे, अकॉर्डिंग मीन्स होता है अनुसार, टू मंडेला यानी मंडेला के अनुसार कैसे हैड एपार्थीड पॉलिसी। एपार्थीड का मतलब होता है रंगभेदी और पॉलिसी का मतलब होता है नीति। अफेक्टेड, प्रभावित कर दी थी, अफेक्टेड मीन्स होता है प्रभावित करना, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को, यानी नेल्सन मंडेला के अनुसार जो रंगभेदी की नीति वह साउथ अफ्रीका को कैसे अफेक्टेड कर दी थी, कैसे प्रभावित कर दी थी। तो देखिए कि जो रंगभेदी नीति थी, जो एपार्थीड पॉलिसी थी, वह साउथ अफ्रीका को कैसे जो है प्रभावित की थी मंडेला के अनुसार। तो इसका आंसर होगा एपार्थीड पॉलिसी, यानी जो एपार्थीड मीन्स होता है रंगभेदी और पॉलिसी का मतलब होता है नीति, जो रंगभेदी नीति थी हैड अफेक्टेड, वह प्रभावित कर दी थी साउथ अफ्रीका को डीपली। डीपली का मतलब होता है बहुत बुरी तरह से कह सकते हैं, यानी कि जो रंगभेदी की नीति थी वह साउथ अफ्रीका को बहुत बुरी तरह से जो है, या बहुत गहराई से कह सकते हैं कि प्रभावित कर दी थी, बहुत डीपली इफेक्ट कर दी थी। ही हैड क्रिएटेड, और यह जो नीति थी वह क्रिएटेड, क्रिएटेड का मतलब होता है उत्पन्न कर देना, उत्पन्न कर दी थी ए डीप, एक गहरा एंड और लास्टिंग, लास्टिंग का मतलब होता है अस्थाई, उंड माने घाव, और यह एक गहरा और अस्थाई घाव उत्पन्न कर दी थी इन द कंट्री, देश में, एंड और इट्स पीपुल, और देश के लोगों के, यानी यहाँ पर इसका अर्थ समझिएगा कि यह जो रंगभेदी की नीति थी यह साउथ अफ्रीका देश और उसके लोगों को जो है बहुत गहरा और अस्थाई घाव उत्पन्न कर दी थी। इट विल टेक लॉन्ग टाइम, और ये जो रंगभेदी की नीति घाव दे दी थी, इट विल टेक, यह टेक मीन्स होता है लेना, लेगा ए लॉन्ग टाइम, लंबा समय, टू हील, हील मीन्स होता है भरना, यानी इस घाव को भरने में लंबा समय लगेगा। दिस उंड, दिस उंड का मतलब होता है यह घाव, उंड मीन्स होता है घाव, यानी इस घाव को भरने में काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, तो इस प्रकार से प्रभावित की थी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है व्हाट डिड मंडेला थिंक, What did Mandela think about the oppressor and the oppressed?
इस क्वेश्चन को आप लोग समझिए तो फिर इसका आंसर आप लोगों को समझ में आएगा। व्हाट मीन्स क्या, मंडेला थिंक, थिंक मीन्स होता है सोचना, विचार करना, विचार करते हैं अबाउट, बारे में किसके, ऑपरेसर, ऑपरेसर यानी जो अत्याचार करने वाले लोग होते हैं उन्हें ऑपरेसर कहते हैं, एंड और ऑपरेस्ड, ऑपरेस्ड का मतलब होता है जो अत्याचार को सहता है, यानी अत्याचार करने वाले और अत्याचार को सहने वाले दोनों लोगों के बारे में नेल्सन मंडेला क्या सोचते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, अत्याचार करने और अत्याचार सहने दोनों लोगों के बारे में मंडेला क्या सोचते हैं, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। मंडेला थाट, मंडेला जो थे वह थाट मीन्स सोचें, थाट मीन्स होता है सोचना, अबाउट द ऑपरेसर, अत्याचारियों के बारे में, एंड द ऑपरेस्ट और अत्याचार को सहने वाले लोगों के बारे में, दैट की बोथ, ये दोनों, जो अत्याचार करता है वो भी और जो अत्याचार को सहता है वो भी, दोनों लोग, बोथ मीन्स दोनों, आर मीन्स है रॉब्ड, रॉब्ड मीन्स एकदम लुटेरे हैं, रॉब्ड यानी लूटे जाते हैं, इक्वली, इक्वली का मतलब होता है समान रूप से, बराबर रूप से, यानी मंडेला सोचते हैं कि जो अत्याचार करता है और जो अत्याचार सहता है ये दोनों लोग समान रूप से जो है राब्ड हो जाते हैं, मतलब कि लूटे जाते हैं। अब कैसे, आगे इसको हम आप लोगों को समझा देते हैं। ए मैन, देखिए यहाँ पर मैन रहेगा, यम ए एन रहेगा, तो ए मैन, एक आदमी हूँ जो टेक्स अवे, टेक्स अवे का मतलब होता है छीन लेना, एक आदमी जो छीन लेता है एनादर्स मैंस, एनादर मीन्स दूसरे, मैन मीन्स आदमी की, फ्रीडम मीन्स होता है आज़ादी, एक आदमी जब दूसरे आदमी की आज़ादी को छीन लेता है तो इज ए प्रिजनर, वह कैदी है, आप हैट्रेड, हैट्रेड मीन्स होता है नफरत, तो वह नफरत का कैदी है, यानी यहाँ पर आप लोग इसी बात को समझ जाएंगे, शायद आप लोगों को हिंदी एक्सप्लेनेशन में भी ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की गई है कि देखिए, ए मैन, एक आदमी हूँ जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता है, वह क्या होता है कि नफरत का कैदी होता है। अब यहाँ पर समझिएगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी की आज़ादी छीनेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी आज़ादी को वो तभी छीनेगा जब उससे उसे नफरत होगी, और जब उसे नफरत हो गई यानी कि जब उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति से नफरत है तो यानी वह व्यक्ति भी जो है स्वतंत्र नहीं है, वो अपना जो है मूल जीवन नहीं जी रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी जो है नफरत की भावना है। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि ए मैन, एक आदमी हूँ जो टैक्स अवे, छीन लेता है दूसरे आदमी की आज़ादी, वो भी नफरत का ही कैदी है, उसके वो नफरत का कैदी है, नफरत का गुलाम है वो, और इन इन द सेम वे, और उसी तरीके से, इफ, यदि हिज फ्रीडम, उसकी आज़ादी इज टेकन अवे, छीन ली जाए, और इसी तरीके से उसका, जिसकी आज़ादी छीन ली जाए, यानी दोनों लोग जो है समान रूप से लूटे जाते हैं, एक तो नफरत उसके अंदर होती है तब किसी की आज़ादी छीनता है, तो उसकी मतलब कि यहाँ पर इस बात को देखिए कहने की कोशिश की गई है कि एक आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी को छीन लेता है वो नफरत का कैदी होता है, क्योंकि उसके अंदर नफरत की भावना होती है, और दूसरा जो व्यक्ति होता है वो तो भाई नफरत की आग में जलता ही है, तो दोनों लोग जो है समान रूप से जो है लूटे जाते हैं, यानी दोनों लोगों की आज़ादी समान रूप से ही लूटी जाती है, ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ अत्याचार करें तो केवल उसी की आज़ादी छीनी जाए, नहीं, आपकी भी आज़ादी छीनी जाती है, क्योंकि आपका जो माइंड है वो नफरत का गुलाम है। उसी चीज़ को यहाँ पर बता रहे हैं कि इन द सेम वे, एकदम उसी तरीके से, इफ, यदि हिज फ्रीडम, उसकी आज़ादी इज टेकन अवे, छीनी जाए, दे बोथ, दे मीन्स वे, बोथ मीन्स दोनों, आर मीन्स है विदाउट फ्रीडम, बिना आज़ादी के, यानी दोनों लोग विदाउट फ्रीडम है, बिना आज़ादी के हैं, एक अत्याचार कर रहा है तो नफरत का गुलाम है, और जो अत्याचार सह रहा है तो भाई वो तो अत्याचार सही रहा है, तो यानी दोनों लोग जो हैं, दे बोथ, वे दोनों, आर मीन्स है विदाउट मीन्स बिना, फ्रीडम मीन्स आज़ादी के, यानी किसी को मन की शांति नहीं है, एक अत्याचार कर रहा है और एक अत्याचार को सह रहा है, सो इसलिए बोथ ऑफ देम, उन दोनों लोगों को मस्ट बी लाइब्रेटेड, इसलिए उन दोनों को क्या होना चाहिए कि लाइब्रेटेड होना चाहिए, यानी कि मुक्त होना चाहिए, लाइब्रेट का मतलब होता है मुक्त होना, आज़ाद होना, इसलिए दोनों को नफरत की भावना से आज़ाद होना चाहिए, एक को नफरत की भावना से और एक जो है
जो प्रताड़ित हो रहा है उसको भी जो है प्रताड़ना से दोनों लोगों को जो है मुक्त होना चाहिए, ये इसमें बताने की कोशिश की गई है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। ये सब जितने इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों को हम इसीलिए बढ़िया से समझा रहे हैं ताकि आप लोगों के माइंड में ये सब चीज़ें एकदम क्लियर स्पष्ट रूप से बैठी रहें ताकि आप लोग एग्ज़ाम में लिख सकें, क्योंकि इतनी चीज़ें याद करके नहीं जाएंगे, माइंड में सेट रहेगा, आप लोग पढ़े रहेंगे तो आसानी से इन सब चीज़ों को जैसे ही क्वेश्चन को देखेंगे तो आप लिखते चले जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट मीन्स क्या अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार इज है ट्रू फ्रीडम। ट्रू फ्रीडम का मतलब होता है सच्ची आज़ादी, यानी कि मंडेला के अनुसार सच्ची आज़ादी क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मंडेला, अकॉर्डिंग मीन्स होता है के अनुसार, यानी मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम सच्ची आज़ादी मीन्स मतलब है, सच्ची आज़ादी का मतलब है फ्रीडम नॉट बी की फ्रीडम आज़ादी नॉट बी ऑब्स्ट्रेक्टेड। ऑब्स्ट्रेक्टेड का मतलब होता है दूर किया जाना, अलग किया जाना, इन लीडिंग ए लॉफुल लाइफ, इस चीज़ को समझ लीजिएगा, जो लीडिंग मीन्स बिता रहा हो ए लॉफुल लाइफ। लॉफुल लाइफ का मतलब होता है एकदम लॉफुल लाइफ, लॉफुल लाइफ का मतलब होता है जो एकदम कानूनी ढंग से यानी अच्छे से जो जीवन बिता रहा हो, जो अच्छे से जीवन बिता रहा हो उसकी आज़ादी को अलग कर देना। ऑब्स्ट्रेक्टेड मीन्स होता है अलग कर देना, अलग कर देना जो है यह आज़ादी का मतलब नहीं है, यानी नेल्सन मंडेला के अनुसार जो सच्ची आज़ादी है उसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग से बहुत लॉफुल लाइफ अगर व्यतीत कर रहा है तो उससे उसको अलग कर दिया जाए, ये सच्ची आज़ादी नहीं है। सच्ची आज़ादी क्या है, ट्रू फ्रीडम क्या है, कि हर व्यक्ति अपनी इच्छा से अपना जीवन जी सके। किसी को कोई अगर लॉफुल लाइफ को लीडिंग कर रहा हो, बिता रहा हो, तो उसको आप जो है एब्स्ट्रेक्टेड न करें, अर्थात आप बाधित न करें, यानी कि एक अच्छे ढंग से जो जीवन व्यतीत कर रहा हो उसकी आज़ादी को आप बाधित न करें, यही जो है ट्रू फ्रीडम है। तो आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाउ डिड हंगर फॉर फ्रीडम, हाउ मीन्स कैसे, डिड हंगर माने भूख फॉर फ्रीडम आज़ादी के लिए चेंज बदल दी मंडेलाज लाइफ, मंडेला के जीवन को, यानी कि आज़ादी की जो भूख थी वह मंडेला के जीवन को कैसे चेंज कर दी, ये हमारा क्वेश्चन है। लाइफ मीन्स होता है जीवन और हंगर फॉर फ्रीडम का मतलब होगा आज़ादी के लिए भूख, यानी जो आज़ादी के लिए भूख थी वह मंडेला के जीवन को कैसे चेंज कर दी। तो देखिए इन द बिगनिंग्स ऑफ हिज लाइफ, इन द बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब होता है शुरुआत, शुरुआत में ऑफ हिज लाइफ अपने जीवन के, अपने जीवन के शुरुआत में मंडेला वाज नॉट, मंडेला वाज थे नॉट मीन्स नहीं, अवेयर, अवेयर माने परिचित अबाउट फ्रीडम आज़ादी के बारे में, फ्रीडम मीन्स होता है आज़ादी, अबाउट मीन्स होता है बारे में, यानी अपने जीवन के शुरुआत में जो मंडेला थे वह आज़ादी के बारे में जो है परिचित नहीं थे या जागरूक नहीं थे, अवेयर का मतलब जागरूक भी कह सकते हैं, वह आज़ादी के बारे में जागरूक नहीं थे। लेटर, लेटर मीन्स होता है बाद में, तो बाद में मंडेला फाउंड, मंडेला जो थे वो फाउंड मीन्स पाए दैट की हिज फ्रीडम, उनकी आज़ादी हैड बिन टेकन अवे, हैड बिन टेकन अवे मतलब छीनी जा रही है, टेकन अवे का मतलब होता है छीनी जाना, छीना जाना, तो मतलब मंडेला बाद में मंडेला पाए कि उनकी आज़ादी छीनी जा रही है फ्रॉम हिम, उनसे। तो एज ए स्टूडेंट, एज माने रूप में, ए स्टूडेंट यानी स्टूडेंट अर्थात विद्यार्थी, एक विद्यार्थी के रूप में ही वांटेड, वह चाहते थे, वांटेड मीन्स चाहना, नेल्सन मंडेला चाहते थे फ्रीडम आज़ादी ओनली फॉर हिमसेल्फ, ओनली मीन्स होता है केवल फॉर हिमसेल्फ स्वयं के लिए, यानी एक विद्यार्थी के रूप में नेल्सन मंडेला केवल अपने लिए आज़ादी चाहते थे, स्वयं के लिए चाहते थे। बट लेकिन स्लोली, धीरे धीरे, स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, हिज ओन फ्रीडम, उनकी जो खुद की आज़ादी थी, ओन मीन्स खुद की जो फ्रीडम मीन्स आज़ादी थी, वो बीकेम मीन्स हो गई द ग्रेटर, ग्रेटर मीन्स बड़ी, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो खुद की आज़ादी थी वह बड़ी हो गई, ग्रेटर, ग्रेटर क्या हो गई, हंगर हो गई यानी कि भूख हो गई,
यानी ओन, यहां से समझिएगा, हिज ओन फ्रीडम, उनकी खुद की आजादी, बीकेम हो गई द ग्रेटर हंगर, बड़ी भूख बन गई फॉर द फ्रीडम, आजादी के लिए, ऑफ हिज पीपुल, उनके लोगों के। लेकिन उनकी जो ये आजादी, खुद की आजादी थी, धीरे धीरे उनके लोगों की आजादी की भूख बन गई, और दिस चेंज्ड, दिस माने यह, चेंज्ड परिवर्तित कर दिया, बदल दिया हिम, उनको, नेल्सन मंडेला को, कम्प्लीटली, कम्प्लीटली का मतलब होता है पूर्ण रूप से, और यही नेल्सन मंडेला को पूर्ण रूप से जो है चेंज कर दिया। अगला देखिए क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में बोला है व्हाट आर ट्विन ऑब्लिगेशंस रेफर्ड टू बाय नेल्सन मंडेला। अब व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स है ट्विन, ट्विन मीन्स होता है दो, यानी दोहरे, ऑब्लिगेशंस मीन्स होता है कर्तव्य, दायित्व, जो रेफर्ड मतलब कि वर्णित किया गया है, रेफर किया गया है बाय नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के द्वारा, यानी नेल्सन मंडेला के द्वारा वर्णित किया गया ट्विन ऑब्लिगेशंस, यानी दो कर्तव्य या दो दायित्व क्या हैं। हर व्यक्ति के पास दो दायित्व होते हैं, ट्विन ऑब्लिगेशंस होते हैं, ऐसा नेल्सन मंडेला जो है वर्णित किए हैं, तो वो दोनों क्या होते हैं, यही हमारा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, अकॉर्डिंग मीन्स होता है के अनुसार, टू नेल्सन मंडेला अर्थात नेल्सन मंडेला के अनुसार, एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति के पास, एवरी मैन हैज, एवरी मैन का मतलब प्रत्येक आदमी के पास टू ऑब्लिगेशंस, टू मीन्स दो ऑब्लिगेशंस, दायित्व होते हैं इन लाइफ, जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के पास, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो कर्तव्य होते हैं मंडेला के अनुसार। द फर्स्ट, जो पहला ऑब्लिगेशन होता है, जो पहला कर्तव्य होता है, जो पहला दायित्व होता है, वो इज है टू हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए पहला कर्तव्य होता है कि वह अपने परिवार की रक्षा करे, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की रक्षा करे, वाइफ, अपनी पत्नी की रक्षा करे, एंड चिल्ड्रेन, और अपने बच्चों की रक्षा करे, यानी इन लोगों की रक्षा करे, इन लोगों के प्रति उसका जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करे, ये पहला कर्तव्य होता है प्रत्येक व्यक्ति का। और सेकेंडली, और सेकेंडली जो होता है, जो सेकेंड होता है, जो दूसरा होता है कर्तव्य, दायित्व जो होता है मनुष्य का, ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन, वह दूसरा जो कर्तव्य है, दायित्व है, टू हिज कंट्री, उसके देश के प्रति होता है, पीपुल, देश के लोगों के प्रति होता है, एंड और कम्युनिटी, और अपने समुदाय के प्रति होता है। यानी जो दूसरा दायित्व होता है वह दायित्व देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति, और अपने समुदाय के प्रति होता है। तो दोहरे कर्तव्य, दोहरे दायित्व हर व्यक्ति के जीवन में होता है नेल्सन मंडेला के अनुसार। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है कुड ए मैन अकॉर्डिंग टू मंडेला फुलफिल दीज ट्विन ऑब्लिगेशंस इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। कुड ए मैन, कुड मीन्स होता है सकना, ए मैन, क्या एक आदमी अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार फुलफिल, फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना, पूरा कर सकता है दीज माने ए ट्विन ऑब्लिगेशंस, ये दो, जो ट्विन मीन्स दो ऑब्लिगेशंस दायित्व हैं, यानी नेल्सन मंडेला के अनुसार क्या कोई व्यक्ति अपने इस दोहरे दायित्वों को पूरा कर सकता है इन ए कंट्री, एक देश में, लाइक साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के जैसे, यानी क्वेश्चन है कि साउथ अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका जैसे देश में क्या कोई व्यक्ति जो है जो अपने दोहरे कर्तव्यों का या दोहरे दायित्व का जो है, दायित्व को जो है फुलफिल कर सके, पूरा कर सके, ऐसा कोई व्यक्ति है। तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि नो, नहीं, यानी साउथ अफ्रीका जैसे देश में कोई व्यक्ति अपने दोहरे कर्तव्यों को उस समय पूरा नहीं कर सकता था जिस समय वहाँ पर गोरों का राज था। तो वही बता रहे हैं कि नो, नहीं, साउथ अफ्रीका जैसे देश में कोई भी व्यक्ति ऐसे दोहरे कर्तव्यों या दायित्वों को पूरा नहीं कर सकता था। तो इसी का आंसर है कि नो, नहीं, दीज ट्विन ऑब्लिगेशंस, दीज मीन्स ए, जो ट्विन मीन्स दोहरे ऑब्लिगेशंस दायित्व हैं, कुड नॉट बी फुलफिल्ड, इसको पूरा नहीं किया जा सकता, कुड मीन्स सकना, नॉट मीन्स नहीं, फुलफिल्ड मीन्स होता है पूरा किया जाना, पूरा नहीं किया जा सकता बाई ए मैन, एक आदमी के द्वारा, बाई मीन्स होता है द्वारा, यानी एक आदमी के द्वारा दोहरे कर्तव्यों को पूरा नहीं किया जा सकता इन ए कंट्री, एक देश में, लाइक साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जैसे, यानी साउथ अफ्रीका जैसे देश में एक आदमी के द्वारा इन दोहरे कर्तव्यों को पूरा नहीं किया जा सकता। क्यों?
अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार। अब आगे देखिए रीजन बता रहे हैं क्यों, इट वाज, यह था विकास, क्योंकि ए मैन, एक आदमी ऑफ डार्क कलर, अगर एक आदमी जो डार्क कलर का हो यानी काले रंग का हो, यानी साउथ अफ्रीका में एक आदमी जो डार्क कलर का हो, काले रंग का हो अर्थात काला हो, और हूँ जो अटेम्प्टेड, अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश करना, प्रयास करना, जो अटेम्प्टेड करता हो, प्रयास किया हो जस्ट टू लिव, रहने के लिए एज ए ह्यूमन बीइंग, एक मानव की तरह, यानी कि यह ऐसा क्यों था कि साउथ अफ्रीका में अगर कोई काली चमड़ी का व्यक्ति अपने मानव के जैसा मतलब जीने का प्रयास करे, अपने दोहरे कर्तव्यों को पूरा करने का प्रयास करे, तो वाज पनिश्ड, वाज मीन्स था पनिश्ड, पनिश्ड कर दिया जाता था, उसको सजा दे दी जाती थी, पनिश का मतलब होता है सजा देना, तो उसको सजा दे दी जाती थी गोरे लोगों के द्वारा। एंड और आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब होता है उसको एकांत में रख दिया जाता था, मतलब कि एकांत कर दिया जाता था इन द कंट्री, देश में, यानी देश में उसको सजा दी जाती थी और उसको एकांत में रख दिया जाता था। जो भी व्यक्ति एक मनुष्य की तरह केवल अपना जीवन जीने का प्रयास करता था, तो दोहरे कर्तव्य को तो पूरा करना बहुत दूर की बात थी काले लोगों के लिए साउथ अफ्रीका में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेज टू मंडेला। देखिए बहुत लाजवाब एक क्वेश्चन है, व्हाट इज, क्या है मीनिंग माने अर्थ ऑफ करेज, साहस का, टू मंडेला, मंडेला के अनुसार, यानी मंडेला, मंडेला के लिए जो है, हाँ यहाँ पर मंडेला के लिए हो जाएगा, यानी कि मंडेला के लिए जो करेज है, जो साहस है, उसका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार, करेज वाज नॉट, साहस नहीं था, द अब्सेंस ऑफ फियर, अब्सेंस माने अनुपस्थिति, ऑफ फियर, फियर मीन्स होता है भय, यानी भय की अनुपस्थिति, मंडेला के अनुसार भय की अनुपस्थिति साहस नहीं था, यानी अगर हमारे अंदर भय न हो तो हम साहसी हैं, ऐसा नहीं था मंडेला के अनुसार। बट लेकिन ट्रायम्प ओवर इट, बट लेकिन ट्रायम्प मीन्स होता है विजय प्राप्त कर लेना, ओवर इट, इस पर विजय प्राप्त कर लेना, यानी डर पर विजय प्राप्त कर लेना साहस था, यानी हमारे अंदर अगर भय नहीं है तो हम साहसी नहीं है, बल्कि हम विजय पर, विजय प्राप्त कर लें इस पर, तो विजय प्राप्त कर लें तो वो हमारा साहस है। द ब्रेव मैन, जो ब्रेव मैन है, जो बहादुर व्यक्ति है, ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, मैन मीन्स आदमी, इज नॉट, इज नॉट, इज मीन्स है नॉट माने नहीं, ही माने वह, हु डज नॉट फील अफ्रेड, हु मीन्स जो डज नॉट फील, जो महसूस न करता हो, अफ्रेड मीन्स डर को, यानी जो व्यक्ति डर को महसूस न करता हो वह बहादुर नहीं है, बट बल्कि ही मीन्स वह, हु जो काकर, काकर्स मीन्स होता है जीत लेना, जो जीत ले दैट फियर, दैट फियर, इस भय को, जो इस भय को जीत ले वह बहादुर व्यक्ति है। यानी इस चीज को आप लोग समझिएगा, हमारे अंदर डर नहीं है तो हम साहसी नहीं है, बल्कि हम डर पर विजय प्राप्त कर लें वो साहस है। बहादुर वो व्यक्ति नहीं है जो डर को महसूस नहीं करता है, बल्कि बहादुर वो है जो डर पर विजय प्राप्त कर ले। मंडेला लर्नड, मंडेला जो थे वो लर्नड, सीखें द ट्रू मीनिंग, ट्रू मीनिंग का मतलब होता है सच्चा अर्थ, आप करेज, साहस का, फ्रॉम हिज कॉमरेड्स, अपने साथियों से, कॉमरेड्स मीन्स होता है साहसी, ए साथी, इन द स्ट्रगल, स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष, यानी कि मंडेला जो थे वह संघर्ष में अपने साथियों से करेज के मीनिंग को क्या किए थे, सीखे थे, सच्चे, सच्ची, सच्चे अर्थ को सीखे थे, ये कह सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, वाट वाज यूनिक, वाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था यूनिक, यूनिक का मतलब होता है अनोखा, इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी, वाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था यूनिक मीन्स अनोखा, इन द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन और सेरेमनी का मतलब होता है समारोह, यानी कि उद्घाटन समारोह में अनोखा क्या था, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए द इनॉग्रेशन सेरेमनी, जो उद्घाटन समारोह था वह टूक प्लेस, हुआ इन द एमपी थिएटर, एमपी थिएटर का मतलब होता है रंगशाला, रंगशाला में फार्मड, जो रूप में थी बाय यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग के, इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में, यानी कि प्रिटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग के रूप में रंगशाला थी वहां पर उद्घाटन समारोह हुआ। फार डिकेट्स, दशकों से, डिकेट्स मीन्स होता है दशक,
दशकों से दीज माने ए हैड बीन द सीट, ए सीट रही थी यानी वहां पर सत्ता रही थी। आप वाइट, वाइट मीन्स होता है सफेद, और सुपरमेसी, सुपरमेसी का मतलब होता है प्रभुत्व। यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में दशकों से जो है सफेद यानी गोरे लोगों का शासन रहा था, प्रभुत्व रहा था। नाउ अब इट वाज, यह था ओथ टेकिंग सेरेमनी, शपथ समारोह था। यानी कि यह ओथ टेकिंग का मतलब शपथ लेना, और सेरेमनी का मतलब होगा समारोह। तो यह अब शपथ समारोह था, शपथ समारोह का डे दिन था फॉर साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट पहले डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, नॉन रेशियल मतलब कि जिसमें जाति भेदभाव ना हो, ऐसे गवर्नमेंट यानी सरकार की। यानी कि अब यहाँ पर हम इसका अर्थ कह सकते हैं कि अब जो है यह शपथ समारोह का दिन था साउथ अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट की। इट वाज, और इट वाज यही था रियल, वास्तविक, ए यूनिक, एक अनोखा, एक विशिष्ट, वकेशन माने अवसर, और वास्तव में ये एक अनोखा या विशिष्ट अवसर था। ये हमारा आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला है डिस्क्राइब करिए, वर्णन करिए द इनॉग्रेशन सेरेमनी, उद्घाटन समारोह का, इन सिंपल वर्ड, साधारण शब्दों में, यानी साधारण शब्दों में जो है उद्घाटन समारोह का वर्णन करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए देख लेते हैं। इट वाज द डे, अब देखिए जो शपथ समारोह के का दिन था, जो उद्घाटन समारोह का दिन था, उसका हमको बहुत सिंपल वर्ड में डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है। तो हम लिखेंगे कि इट वाज द डे, इट वाज यह था, डे मीन्स दिन, आप 10 मई 1994, यह 10 मई 1994 का दिन था, द फर्स्ट पहली डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, नॉन रेशियल जिसमें जाति का भेदभाव न हो, ऐसी गवर्नमेंट सरकार वाज थी टू बी इंस्टॉल्ड, स्थापित की गई। इंस्टॉल्ड मीन्स होता है स्थापित किया जाना, यानी कि यह 10 मई 1994 का दिन था जिसमें साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक और बिना जाति के भेदभाव की सरकार की स्थापना की गई। डिग्निट्रीज, विशिष्टगण, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, फ्रॉम माने से, डिफरेंट मीन्स अलग अलग कंट्री, देशों से, पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना, हिस्सा लेना, तो हिस्सा लिए थे इन द सेरेमनी, इस समारोह में। यानी कि अलग अलग देशों के जो विशिष्टगण थे वह इस समारोह में भाग लिए थे। साउथ अफ्रीका मैन, साउथ अफ्रीका के पुरुष, वुमेन, औरत एंड चिल्ड्रेन, और बच्चे, ऑफ ऑल रेसेज, ऑल रेसेज माने सभी जातियों के, वेयर प्रेजेंट, उपस्थित थे देयर मीन्स वहाँ। तो इस सिंपल वर्ड में एकदम जो है शपथ समारोह का जो उद्घाटन समारोह था उसका वर्णन था, इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है हम लोगों का, वाट प्रोमिजेज, वाट मीन्स क्या, प्रोमिजेज मीन्स होता है वादा, डिड मंडेला, मंडेला मेक किए टू हिज पीपुल, अपने लोगों से, इन द ओथ टेकिंग स्पीच, ओथ टेकिंग का मतलब होता है शपथ लेना, शपथ लेना, और स्पीच मीन्स होता है भाषण। यानी अपने शपथ समारोह के भाषण में जो मंडेला थे वह अपने लोगों से क्या वादा किए, क्या प्रोमिज किए, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या प्रोमिज करते हैं, तो देखिए इसका आंसर होगा इन द ओथ टेकिंग स्पीच, यानी शपथ समारोह के भाषण में मंडेला प्रोमिज्ड, मंडेला जो थे वह वादा किए, प्रोमिज किए दैट की द कंट्री, जो देश है हमारा साउथ अफ्रीका, सेल नॉट अगेन, सेल नॉट अगेन, दोबारा एक्सपीरियंस, अनुभव नहीं करेगा, एक्सपीरियंस मीन्स होता है अनुभव करना, द ऑपरेशंस, ऑपरेशंस का मतलब होता है दबाव का, सताए जाने का, ऑफ वन बाई एनादर, एक दूसरे के द्वारा। यानी यहाँ पर इसको समझ लीजिएगा कि शपथ समारोह के भाषण में नेल्सन मंडेला अपने देश से वादा किए कि अब दोबारा हमारे देश वाले कभी दूसरे लोगों के सताए जाने का अनुभव नहीं करेंगे, अर्थात अब हमारे देश को कोई दूसरा व्यक्ति सता नहीं सकता, ये वादा किए थे कि मैं ये वादा करता हूँ। आगे देखिए क्वेश्चन है हम लोगों का, वाट डिड मंडेला से अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंट्री इन हिज स्पीच, वाट मीन्स क्या, डिड मंडेला से मीन्स होता है कहना,
तो मंडेला क्या कहें अबाउट बारे में द फ्यूचर, भविष्य के बारे में ऑफ कंट्री देश के, इन हिज स्पीच, अपनी स्पीच में, यानी अपने भाषण में नेल्सन मंडेला जो है वह देश के भविष्य के बारे में क्या कहें, फ्यूचर के बारे में क्या कहें, तो देखिए इसका आंसर है इन हिज स्पीच, अपने स्पीच में नेल्सन मंडेला सेड, नेल्सन मंडेला कहें कि आई सी, मैं देख रहा हूँ ए ब्राइट फ्यूचर, एक ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर का मतलब होगा उज्जवल भविष्य ऑफ द कंट्री, देश का, नेल्सन मंडेला अपने भाषण में कहें कि मैं देश का उज्जवल भविष्य देख रहा हूँ, नाउ अब नो वन विल एक्सपीरियंस, अब कोई अनुभव नहीं करेगा, कोई अनुभव नहीं करेगा, एक्सपीरियंस नहीं करेगा ऑफ ऑपरेशंस, सताए जाने का बाई एनादर, दूसरे के द्वारा, बाई मीन्स द्वारा, एनादर मीन्स दूसरे, यानी कि उन्होंने कहा कि मैं देश के भविष्य को देख रहा हूँ कि जो उज्जवल भविष्य है मैं उसे देख रहा हूँ, अब कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति के, कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा सताए जाने का अनुभव नहीं करेगा, इट विल मेक मच प्रोग्रेस, और इट विल मेक, मेक माने करना, यह करेगा, मच मीन्स अधिक, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मीन्स होता है विकास, प्रगति, और हमारा अब ये जो देश है वह अधिक विकास करेगा, ऑल पीपुल, और सभी लोग, शैल बी फ्री, आज़ाद होंगे, स्वतंत्र होंगे, टू डू, करने के लिए, वाट मीन्स जो, दे मीन्स वे, लाइक मीन्स पसंद करेंगे, लाइक मीन्स पसंद करना, यानी कि ऑल पीपुल, सभी लोग वह सब चीज़ें कर सकेंगे जिस चीज़ को करना पसंद करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का, हाउ डिड साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड और ट्रूप्स, अब जो ट्रूप्स थी, यानी कि कैसे साउथ अफ्रीका की जेट्स विमान, हेलीकॉप्टर्स और जो ट्रूप्स था यानी सैन्य दल था, वो डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शन करना, तो वो कैसे प्रदर्शन कर रही थी, यानी साउथ अफ्रीका के जेट्स विमान, हेलीकॉप्टर्स और जो सैन्य थे, यानी वो कैसा प्रदर्शन कर रहे थे, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, तो आइए देखते हैं वो कैसा प्रदर्शन कर रहे थे। इट वॉज वेरी स्पेशल डे फॉर ऑल, इट वॉज, यह था वेरी स्पेशल, वेरी मीन्स बहुत, स्पेशल मीन्स होता है खास, डे मीन्स होता है दिन, फॉर ऑल सभी के लिए, यह सभी के लिए बहुत खास दिन था, साउथ अफ्रीकन जेट्स, जो साउथ अफ्रीका की जेट्स थी, जो हेलीकॉप्टर थी एंड और ट्रूप कैरियर्स, और जो सैन्यवाहक था वो रोर्ड मीन्स दहाड़ रहा था इन परफेक्ट फॉर्मेशन, परफेक्ट फॉर्मेशन का मतलब होता है पूर्ण गठन, यह इस पूर्ण गठन में, यानी कि जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी इसके लिए वो सब एकदम दहाड़ रहे थे, दे फ्लू, और दे मीन्स वे, फ्लू मीन्स उड़ रहे थे, कहाँ पर उड़ना, फ्लू मीन्स उड़ना, ओवर मीन्स ऊपर द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग के, और वो सब यूनियन बिल्डिंग के ऊपर उड़ रहे थे, इट वाज ए शो, और इट वाज, यह था ए शो, एक प्रदर्शन ऑफ मिलिट्री, मिलिट्री का मतलब होता है जो सैनिक, और लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी, यह एक सैनिक वफादारी का प्रदर्शन था टू द कंट्री, देश के लिए, एंड और इट्स डेमोक्रेसी, और वहाँ के लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, यानी यहाँ पर हम इसका अर्थ कह सकते हैं कि यह एक जो है सैन्य दल की वफादारी का उनके देश और लोकतंत्र के प्रति प्रदर्शन था। तो आइए देख लेते हैं आखिरी क्वेश्चन, व्हाट डिड द जनरल्स एंड द पुलिस अफसर्स डू ऑन दैट डे, अरे इसमें हमसे पूछ रहा है कि व्हाट डिड द जनरल्स, मतलब वहाँ जो जनरल्स थे एंड जो, और जो पुलिस के ऑफिसर्स थे, यानी कि जो पुलिस के अधिकारी थे, वो डू मीन्स किए ऑन दैट डे, उस दिन पर, यानी उस दिन पर जो जनरल थे और पुलिस अधिकारी थे वो क्या किए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए द जनरल्स, जो जनरल्स थे एंड और जो पुलिस ऑफिसर्स, जो पुलिस के अधिकारी थे, वेयर मीन्स थे, आल्सो माने भी, देयर मीन्स वहाँ, तो ये सब भी वहाँ पर थे, और वे थे इन दियर यूनिफॉर्म, अपनी वर्दी में, यूनिफॉर्म मीन्स हो जाएगा वर्दी, वे अपनी वर्दी में थे, दे हैड रिबन्स, और रिबन्स लगा हुआ था यानी कि फीते लगे हुए थे, एंड और मेडल्स, मेडल लगा हुआ था ऑन दियर चेस्ट, उनके सीने पर, यानी कि जो वर्दी पहने थे तो वर्दी जो थी सीने पर, वहाँ पर फीते लगे थे और मेडल्स लगे थे उन लोगों के, और ये मेडल इन लोगों को अंग्रेजों के द्वारा मिला था जब वो
इसके पहले नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार किए थे। दे सल्यूटेड नेल्सन मंडेला, लेकिन आज जब नेल्सन मंडेला की सरकार बनी तो वही जनरल वही पुलिस क्या किए, सल्यूटेड सलाम किए किसको, मंडेला को विथ ग्रेट रिस्पेक्ट। ग्रेट माने होता है महान, रिस्पेक्ट मीन्स होता है सम्मान, बड़े सम्मान के साथ वो नेल्सन मंडेला को सल्यूट किए। मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। मंडेला वाज था थे फर्स्ट, पहले ब्लैक माने अश्वेत प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के। आल्दो यद्यपि मेनी ईयर्स एगो, यद्यपि मेनी ईयर्स एगो यानी कि बहुत वर्ष पहले, दे माइट हैव अरेस्टेड हिम, यही जो जनरल थे, यही जो पुलिस अफसर थे, वह नेल्सन मंडेला को अरेस्ट किए थे अर्थात गिरफ्तार किए थे, लेकिन जब आज वो राष्ट्रपति बने तो उनको सल्यूट कर रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से 15 जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर को हम आप लोगों को कराएं। इस वीडियो को आप लोग जैसे ही अपलोड हो इस वीडियो को पढ़िए, इसका एक पार्ट का वीडियो हम और कराएंगे आप लोगों को, जिसमें हम आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन और उसके आंसर को करा देंगे, तो आप लोगों का ये चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी इस चैप्टर के 60 क्वेश्चन आंसर के पार्ट 2 को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।